बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फूड डिज़ाइनर। आज मैं बना रही हूँ टिक्का मसाला बर्गर, और ये बहुत इजी है और चंद चीज़ों से ही तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 1/2 kg चिकन लिया, ब्रेस्ट पीस लिया था, उसके बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और इसके साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून केचप, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन पेस्ट, और ये काली मिर्च है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून भर के लिया है रेड चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लावर, ये मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, और सोया सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून, और ये तंदूरी मसाला हमारा जाएगा 1 टेबल स्पून। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें नाज़रीन हम ना अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इस चिकन में तमाम चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पेस्ट और केचप, ब्लैक पेपर, चिली पेस्ट, ब्लैक सॉल्ट, सोया सॉस, तंदूरी मसाला, कॉर्नफ्लावर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट लगेंगे सिर्फ मिक्स होने में, और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये 10 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे हमारे बर्गर मज़ेदार। तो अब देखते हैं हम इसको मिक्स करके कि किस तरह से तैयार होंगे। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, तमाम चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। अब हम इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं 10 मिनट्स के लिए, और चाहे तो फ़ौरन बना सकते हैं, और ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसको सिर्फ कुकिंग टाइम में 5 मिनट लगने वाले हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था, और उसमें डाल दिए मैंने अपनी चिकन जो मैंने मसाले डाल के बनी रखी थी। तो इसको कुकिंग टाइम में सिर्फ ओनली 5 मिनट लगने वाले हैं। मैं इसको लो फ्लेम पर रख रही हूँ कवर करके, और ये मज़ेदार टिक्का मसाला हमारा तैयार होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी टिक्का मसाला चिकन तैयार हो चुकी है। ओनली 5 मिनट्स लगे हैं इसको बनाने में, और ये जूसी सी मैंने इसको रखा है, इसको बिल्कुल टेंडर नहीं किया है मैंने। और 1 टेबल स्पून में इतनी सारी चिकन हमारी बनके तैयार हो चुकी है। मैं इसके साथ जो हम बर्गर तैयार करेंगे, लिया मैंने मायो, प्लेन मायो लिया, और मैंने लिया एक टोमेटो केचप। तो मैं अब आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से ये मज़ेदार बनकर आप तैयार करेंगे हम लोग, और ये बिल्कुल 10 मिनट्स में रेडी होने वाले हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने पैन को बटर से ग्रीस कर लिया है, और अब मैं इसमें बर्गर बन को सेक रही हूँ, और इस तरह से मज़ेदार हमारे चिकन टिक्का मसाला बर्गर तैयार होने वाले हैं। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बन भी हमारे रेडी हो चुके हैं, और ये मैंने मसाला प्याज को रेडी किया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वही टोमेटो केचप है, और ये मायो है, और ये हमारा टिक्का मसाला रेडी हो चुका है चिकन का। तो सबसे पहले हम बन के 2 पार्ट करेंगे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें सबसे पहले हम लगा लेंगे हमारा टिक्का चिकन मसाला। अब मैंने मसाला चिकन टिक्का लगा लिया है बन के एक पार्ट पर, और इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज जो हमने तैयार करके रखी थी, अनियन। ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। आप इस पर केचप और मायो मैं स्प्रेड कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है, मैं इसको कवर कर दूँगी। देखिए मज़ेदार चिकन टिक्का मसाला बर्गर तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरे को रेडी कर लूँगी, और उसमें लेकिन मैं क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक बर्गर हमारा तैयार हो गया है, और दूसरा जो मैंने तैयार किया है इसमें मैंने क्रीम चीज़ का यूज़ किया है, और सिर्फ अनियन लगाई है इसमें, और फ्राइज इसके साथ रखें। ये देखिए अब हम इसको कवर कर देंगे। तो देखिए हमारे चिकन टिक्का मसाला बर्गर तैयार हो चुके हैं।
और कितनी जल्दी बन गए हैं और 1 टेबल स्पून ऑयल में बने हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके हैं और ओनली 10 मिनट्स लगे हैं इसको तैयार होने में। तो आप ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से आपको लगे हैं और बनाने का तरीका कैसा लगा है आपको मेरा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा के बताइएगा कि किस तरह से आपके बर्गर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।